आप सभी का स्वागत है यूनिट सेकंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में। कुछ फार्मूले दिए गए हैं जिनकी मदद से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूला है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई बाय टू। इसी प्रकार कोसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू भी पाई बाय टू, टेन और कोट के साथ भी वैल्यू हो जाती है पाई बाय टू। फिर टेन इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स वाई के लिए वैल्यू दी गई है। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई की वैल्यू होती है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड में वन माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार माइनस होगा तो वैल्यू हो जाएगी टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड में वन प्लस एक्स वाई। सिमिलर कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स वाई की वैल्यू कोट इन्वर्स एक्स वाई माइनस वन डिवाइड में वाई प्लस एक्स। ध्यान रखना है वाई प्लस एक्स लेते हैं क्योंकि उसी के नीचे एक माइनस वाला फार्मूला दिख रहा है। कोट इन्वर्स एक्स माइनस कोट इन्वर्स वाई इक्वल हो जाता है कोट इन्वर्स एक्स वाई प्लस वन डिवाइड में वाई माइनस एक्स। ओके, अब शुरू करते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई के लिए। वैल्यू दी है साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं सेम फार्मूला है, जब प्लस था तो माइनस और प्लस है तो माइनस। जब कोस की बात करें तो कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई, प्लस वाले में माइनस का फार्मूला लगेगा। देखो इक्वल कोस इन्वर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर पहले ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वेयर, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस वाई स्क्वेयर। इसी प्रकार जब हम प्लस माइनस के लिए करते हैं कोस इन्वर्स एक्स माइनस कोस इन्वर्स वाई का फार्मूला बन जाता है कोस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वेयर वन प्लस वाई स्क्वेयर। आगे कुछ फार्मूले दिए हैं जैसे टू साइन इन्वर्स के, टू कोस इन्वर्स के, टू टेन इन्वर्स के, थ्री साइन इन्वर्स, थ्री कोस इन्वर्स, थ्री टेन इन्वर्स, और लास्ट में एक फार्मूला दिया है ट्रिपल वाला टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई प्लस टेन इन्वर्स जेड के लिए। बराबर होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सभी इन फार्मूलों को लिख लें और अच्छे से याद कर लें, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी को फार्मूले पूरे समझ में आए होंगे। याद करें फिर हम सवाल शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।